नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? मकर संक्रांति आखिर है क्या? आखिर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या है इससे जुड़ी भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कथा? और क्यों ये दिन लक्ष्मी माता ये जुड़ा हुआ है? और इस दिन दान करने का क्या महत्व है? इससे क्या पुण्य मिलता है? और ये क्यों करना चाहिए, क्या आपको पता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो बने रहें इस पूरे वीडियो में। अगर आप इस बारे में जानते हैं तब भी बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में जो आपने कभी पहले सुना ही नहीं होगा कि मकर संक्रांति के दिन दान क्यों किया जाता है, क्यों लोग मकर संक्रांति को मानते हैं। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि मकर संक्रांति को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरे साल में पूरे 365 दिनों में एक दिन ऐसा आता ही जिस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन जिसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हमारे हिंदू धर्म में यही एक दिन है जिसको दान करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, और आप लोग इस दिन दान भी करते हैं और गुप्त दान भी करते हैं। मगर आप ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो आपको बता दें कि आप लोग इस दिन घर में तिल के लड्डू बनाते हैं, इस दिन आप चावल की खिचड़ी बनाते हैं, आप गजक मूंगफली दान करते हैं। मगर दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और भगवान नारायण एक साथ स्नान करते हैं। आपने देखा होगा कि तिल और गुड़ को मिलाकर इस दिन तिलकुटा बनाया जाता है हिंदू धर्म में। मगर वो जो तिल और गुड़ को जो मिलाया जाता है वो सिर्फ इस दिन इसीलिए मिलाया जाता है कि इस दिन, सिर्फ इस दिन भगवान विष्णु और भगवान महादेव दोनों साथ मिलकर एक ही दिन एक ही समय एक ही साथ गंगा का स्नान करने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक एक दिन एक एक वार का बहुत बड़ा महत्व है। जब भगवान विष्णु और भगवान महादेव साथ में एक बार स्नान कर रहे थे मकर संक्रांति के दिन, तब चुपके से माता लक्ष्मी उनको देख रही थी। भगवान विष्णु और भगवान महादेव को स्नान के लिए माता लक्ष्मी गुप्त रूप से झांकती है, उन्हें देखती हैं। तभी भगवान विष्णु ने तिरछी आँखों से माता लक्ष्मी को देखा और मुस्कुराए, और साथ ही भगवान भोलेनाथ को देखने लगे। तभी शंकर भगवान भी मुस्कुराए और बोले, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही हैं। और नारायण, हमने महारानी लक्ष्मी को वर दे दिया कि महारानी लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेंगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन लक्ष्मी ने करा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति के दिन जो आप दान देते हो और उससे पहले पूजा करके आप एक गुप्त दान भी देते हो। मगर आपको बता दें कि ये गुप्त दान भी इसे कथा से जुड़ा हुआ है। जो आप तिल और गुड़ का एक लड्डू बनाकर उसमें कुछ भी धन रखकर, कुछ भी दक्षिणा रखकर जो लड्डू आप दान देते हो वही गुप्त दान होता है, जो कि वो भी लक्ष्मी माता का ही एक रूप है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो भी मनुष्य ये गुप्त दान करता है उस मनुष्य को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि तिल का गुड़ का जो लड्डू बनाकर आ उसमें कुछ भी गुप्त दान कर देते हैं किसी को भी, किसी मंदिर या किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को, तो आपके घर में कभी भी कोई भयंकर जानलेवा बीमारी नहीं हो सकती है। तो अगर आपने कभी ये उपाय नहीं किया तो आप इस मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को अवश्य करें और अपने आप को और पूरे परिवार को किसी भी भयंकर बीमारी की ग्रस्त में होने से बचाएं। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि वे और उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है, आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती।
तो मित्रों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय हो नारायण भगवान की। जय हो माता लक्ष्मी।